हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी पॉइंट। आज हम देखेंगे क्लास टेंथ के चैप्टर 7.2 के क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया, यदि बिंदु को ए माइनस 2 और 2 और बी 2 8 को जोड़ने वाले रेखा खंड ए बी को चार बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें। यानी क्या किया है, एक लाइन बना लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या करना है। देखिए, एक लाइन से सबसे पहले बना लीजिए, ठीक है। एक पॉइंट ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कितना कितना दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2 माइनस 2 और 2 दिया हुआ है, 2 और 8 दिया हुआ है। माइनस 2 और 2 दिया हुआ है और यहाँ पे 2 और 8 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। और बोला इसे चार बराबर भागों में बांटना है। क्या करना है, बराबर चार भागों में बांटना है। बराबर चार भागों में बांटने का मतलब क्या करना है, एक यहाँ पे, दूसरा तीसरा। देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक भाग, यहाँ से दूसरा तक दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये क्या हुआ, चौथा भाग हुआ, ठीक है। इसका नाम देते हैं पी क्यू आर, नाम देती सबको एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है। सबको पहले एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है। सबको एक्स वाई मान लिए। अब करना क्या है, इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहले तो एक विभाजन सूत्र और एक मध्य बिंदु निर्देशांक से, तो ठीक है। पहले हम लोग वो जो अगर बनाएंगे अगर विभाजन सूत्र से तो बहुत लंबा जाएगा और कम समझ में आएगा। इसे हम बनाते हैं बहुत ही आसानी तरीका से बन जाएगा, ठीक है। करेंगे क्या, अब देखिए यहाँ पे करना क्या है। अगर देखते हैं तो ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु कौन हो सकता है, यानी कि क्यू होगा, ठीक है। क्यू होगा, यानी इसके बाद भी 2 पॉइंट, इसके बाद भी 2 पॉइंट, यानी इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। यानी ए बी का मध्य बिंदु जो है, ए बी का मध्य बिंदु क्यू के निर्देशांक, जो ए बी का मध्य बिंदु होगा कौन होगा, क्यू क्यू होगा। अब क्यू का निर्देशांक निकालना है, तो क्यू का निर्देशांक क्या होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मध्य बिंदु का फॉर्मूला, मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है, मध्य बिंदु निकालने क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू बट्टे में 2, फिर वाई वन प्लस वाई टू बट्टे में 2, ये होता है ना। अब देखिए, एक्स वन का जो दिया हुआ है यहाँ पे, एक्स वन कितना हुआ, माइनस 2 प्लस 2 बटे में 2, फिर दिया 2 प्लस 8 बटे में 2, यही है, ठीक है। इन दोनों जोड़ कितना जाएगा, माइनस 4 बटे में 2, सॉरी ये दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। 2 में से 2 कितना हो गया, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 10 बटे में 2, ठीक है। ये तो जीरो हो गया, यानी जीरो, और ये क्या आ गया, 5 आ गया। यानी ये जो आया मेरे पास क्या है, क्यू का आ गया, किसका आ गया, क्यू का बिंदु क्यू आया, बिंदु क्यू क्या है, 0 और 5 आ गया। बिंदु क्या, क्यू क्या है, 0 और 5 आ गया, ठीक है। दूसरा निकालेंगे किसका, तो क्यू की जगह पर रख लेते हैं, वो क्या, 0 और 5, क्या रखते हैं, 0 और 5। अब देखिए क्या करेंगे, अब मान लीजिए पी क्या निकालते हैं, पी का मध्य बिंदु, यानी कि ए क्यू का जो मध्य बिंदु कौन होगा, पी होगा। ए क्यू का मध्य बिंदु क्या होगा, पी होगा, यानी कि ए क्यू, ए क्यू के मध्य बिंदु पी के निर्देशांक। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, माइनस 2 प्लस 0 बट्टे में 2, फिर क्या, 2 प्लस 5 बट्टे में 2, ये तो क्या हो जाएंगे, माइनस 2 बट्टे में 2 हो जाएंगे, कॉमा ये 7 बट्टे में 2 हो जाएंगे, एक कट के माइनस 1 हो जाएंगे, माइनस 1 7 बटे 2। यानी कि जो पी आया, क्या आया, पी आया, पी बिंदु कितना आ गया, माइनस 1 और क्या आया, 7 बटे 2 आया, यही आया ना। देखिए पी के लिए आ गया, अब मान लीजिए पी के जगह पर देखिए माइनस 1 और 7 बटे में 2, ये क्या हो गया, पी का हो गया। अब क्या निकालेंगे, आर के लिए निकालेंगे, आर के लिए मध्य बिंदु निर्देशांक, यानी कि ये जो आर है, क्यू बी का क्या है, मध्य बिंदु है, क्यू बी का मध्य बिंदु कौन है, आर है, क्यू बी का, क्यू बी का मध्य बिंदु कौन है, आर है, यानी कि क्यू बी के मध्य बिंदु आर के निर्देशांक, ठीक है। इसमें वही करेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे है 0 प्लस 2 बट्टे में 2, यानी कि 1 प्लस 2 बट्टे में 2, ठीक है। यहाँ पर आते कॉमा, ब्रैकेट नहीं है जी, ठीक है, 0 प्लस 2 बट्टे में 2 कॉमा,
फिर क्या करते हैं, पाँच बटे प्लस आठ बटे में दो, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के कितना होगा, दो बटे में दो आएगा। यहाँ देख लेते थोड़ा सा, देखिए क्या आएगा, दो बटे में दो आएगा और ये क्या आएगा, तेरह बटे में दो आएगा, ठीक है, ये कटेगा तो वन आ जाएगा, यानी वन और तेरह बटे में दो, ठीक है, यानी कि यही आया, ये कौन सा है, ये मेरा आर है, आर क्या आया, एक तेरह बटे में दो, यानी कि हम लोग क्या 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 निकाल लिए, यानी कि हम लोग अब सब कुछ निकाल लिए, बचा क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या निकाल लिए हम लोग, जो पी के लिए आया, सबसे पहले पी के लिए निकालते, पी जो आया है हम लोग जो निकाले हैं, एक और सात बटे में दो आया है, दूसरा जो आया है क्यू, क्यू कितना है, क्यू आया है जीरो और पाँच आया हुआ है, और जो आर आया हुआ है, आर कितना आया हुआ है, आर के लिए आया है वन और तेरह बट्टे में दो आया हुआ है, ये क्या हुआ आंसर हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग वीडियो।